अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब भाई? होप आप सब ठीक होंगे। तो क्यूट लाइफ स्टाइल में आपका वेलकम है। तो ब्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये थी मेरी इंगेजमेंट एनिवर्सरी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया। एक रिंग थी जो 3 साल पहले इंटरनेट पे फेमस थी। तो मैंने कहा कभी लेंगे। जब उनकी एक नज़र पड़ी शॉप पे, ये तो वहाँ पर मिली मुझे सरप्राइज़ दी, मुझे पता ही नहीं है। जैसे हम घर में आए, मेरी आई से बंद की उन्होंने, फिर उसके बाद मैंने चेक किया तो ये रिंग थी। तो मैं आपको रिंग दिखाती हूँ को किस टाइप की है। तो बहुत ही फेमस हुई थी नेट पे, मे बी किसी को पता हो किसी को ना पता हो। तो उन्होंने कहा चलिए आज KFC भी जाते हैं। KFC में हमने ये लंच किया, लंच का टाइम था। तो बस एक ओपन एरिया साइड पे बैठ गए लेके। तो ये हम लाहौर गए थे, वहीं पे हमने इंजॉय किया था। और साथ में जी ये उन्होंने एक और रिंग मुझे पहनाई थी। ठीक है, वे थोड़ा नॉटी हरकत कर रहे थे, वट एवर, कोई नहीं, हस्बैंड वाइफ में चलते रहते हैं। तो ये देखें, ये एक रिंग उन्होंने मुझे दी थी। तो ये मैंने काफ़ी टाइम पहनी, यूज़ की। तो ये वाइट गोल्ड की थी। उसके बाद फिर मैंने इसको रख दिया। सेकंड ये मुझे उन्होंने एक फूल ला के दिया था, साथ में ये ग्लास था। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उन्होंने ये दोनों मुझे ये भी सरप्राइज़ के तौर पे मुझे दिया था। तो इससे यानी हस्बैंड वाइफ में अगर ये चीज़ चलते रहे तो मोहब्बत भी बढ़ती है और ताल्लुक भी काफ़ी टाइम चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये लाजमी करना चाहिए। तो ये देखें आप, चेक करें। उसके बाद यानी कि मेरी लाइफ में यानी कि जितनी भी उन्होंने मुझे जो रिंग वगैरह दी थी ना, तो वो मैंने काफ़ी सारी मिला के क्लिप्स फिर आपको आज मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा चलिए ये भी टाइम आपसे शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए आप, चेक करें। ये भी मेरे ड्रेस, बेड सेट, सब चीज़ के साथ मिल रही थी। तो फ्लावर्स जो है ना, वो भी बेड शीट के साथ मैच हो रही थी। तो आइए आपको रिंग दिखाते हैं। हाँ, तो जी ये वो रिंग है जो नेट पे बहुत फेमस हुई थी। तो इन्होंने आखिरकार ढूंढ के मुझे ये ला के दिया। तो ये देखिए, मुझे बहुत ही पसंद है। ये जैसे कमल का फूल होता है ना, वो खिलता है पानी में होते थे, उस टाइप की ये रिंग थी। तो मुझे बहुत ही पसंद है और मेरा दिल बहुत ही खुश है। तो फिर हमने नाइट आउटिंग की, तो बाहर गए हम, हमने थोड़ा इंजॉय किया, घूमे फिरे। उसके बाद बस फिर और किसी जगह खाने पीने का भी फिलहाल मूड नहीं था, क्योंकि अभी भी KFC हमने खाई थी। उसके बाद खा के तो हमारा पेट बिल्कुल फुल हो चुका था। तो हमने कहा कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाइट लाइट पी लेंगे। तो बस कोल्ड ड्रिंक पी थी। उसके बाद बस वेट कर रहे थे कि यहाँ पर ट्रैफिक जैसे आपको पता है कैसे होती है रियाद में, तो बहुत ही, आई होप आप समझ सकते हैं, कितने सारे ब्लॉग में हम शेयर किए हैं। और फिलहाल इस टाइम भी मौसम चेंज हो चुका है, रियाज का नवंबर का टाइम। अब आज बारिश भी हुई थी, तो बाहर ठंडी हवा चल रही है, यानी कि अब AC चलने की नौबत नहीं आती। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम के बाद आज मौसम तब्दील हुआ है, यानी कि बारिश हुई है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे और ब्लॉग होंगे वो भी आपसे शेयर करती रहूँगी, यानी कि अपने मैरिज वाली भी जो भी है ना, वो काफ़ी सारी क्लिप्स हैं मेरे पास इंशाल्लाह, और भी अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी। तो ये फिर अगले दिन का व्लॉग है। तो आज यानी कि हम शॉपिंग पर गए थे मॉल में, 2-4 चीज़ें लेनी थी वो ली। उसके बाद बस फिर लेते ही घर वापस आ गए। वैसे मौसम तो बहुत ही अच्छा बना हुआ था, ठंडक थी। तो ये तकरीबन जोहर का टाइम था। तो बस ये मैंने कहा आपसे ये भी क्लिप शेयर कर दो अगेन, पहले भी शेयर की थी, अब भी शेयर करें, क्योंकि रियाज में तकरीबन यही चीज़ है, ये मॉल है, ये चीज़ बनी हुई है। यानी कि मुझे तो ऐसा लगता है रोशनियों का शहर है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट लाइटिंग लाइटिंग है और डिकोर है इस टाइप के बिल्डिंग का, इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह। तो ये था जी आज का मिनी व्लॉग। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। जो मेरी इंगेजमेंट की रिंग्स जो मुझे उन्होंने सरप्राइज़ दिए थे, वो सारे क्लिप्स आप शेयर किए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।